Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी गुड़िया से मिलवाने जा रही हूँ। इसका नाम ईमान है, ये मेरी बेटी है 1 साल की, और मैंने इसका घंटे से हाथ पकड़ा हुआ है कि ये ना अपना हेयर बैंड उतार रही थी और इसको उतारने नहीं दे रही। उतार लो। हेलो कर दो। हेलो हेलो। अच्छा जी, सब मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी ईमान के बेड की, तो सारे कह रहे थे कि मुझे ईमान का बेड दिखाएगा ईमान क्या। चलो जी, सियापा ही मुखिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, जो कि मेरी बेटी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं ईमान। मानो, नाम इसका मानो है लेकिन हरकतें इसकी चुड़ैलों वाली है। अभी इसने ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो देखो वो देखो खाला। हाँ आ जाओ आ जाओ वो देखो। हेलो कर दो, हेलो कर दो, बाय बाय कर दो। चलो बाय बाय कर दो। चलो जी, बाय बाय हो गया। हमारा हेलो भी है और हमारा बाय बाय भी है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी ईमान के बेड की, तो सब कह रहे थे कि ईमान का बेड की पिक्चर्स हमें दिखाओ, वीडियो हमें दिखाओ, हमने बनवानी है। बेसिकली मैंने ईमान का कॉट खुद बनवाया था, मैंने काफ़ी जगह विजिट किया था। तो मुझे कॉर्ड्स वो सही नहीं लगी थी, कुछ पायदार नहीं लगी थी, बहुत हल्की थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और जिस तरह की मैं चीज़ चाह रही थी। चलो आप अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, शाबाश। और जिस तरह की मैं चीज़ चाह रही थी तो मुझे उस तरह की नहीं मिल रही थी। ठीक है, ये कॉर्ड मैंने 45,000 to 50,000 के अंदर अराउंड अबाउट सारा कुछ करवा के बनवाया है। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कॉर्ड की ओवरलुक। अच्छा जी, तो ये है कॉर्ड, ये खुद बनवाया हुआ है। लकड़ी वाले को कह के ना, खुद ये कॉर्ड की पिक्चर मैंने उसे दी थी और उसे ईजिली बना दिया था। अगर आप लोगों ने पिक्चर लेनी है तो आप ये इस तरह पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई पिक्चर। इसके इधर है दो लॉक्स, ये हम खोलेंगे जब दिन को सोती है, मैं लॉक लगा देती हूँ, और ये प्लेट है निकल जाती है। हाँ जी, कॉर्ड खोल दो, लॉक खोल दो नाजी, प्लीज़ ये उठाना। अच्छा जी, ये इस तरह करके ये निकल जाती है, और जब रात को सोती हूँ ये वाली चीज़ इधर अटैच कर लेती हूँ ताकि मेरे साथ हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो इसके ड्रॉज है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इसके मैंने पैम्पर्स रखे हुए हैं, मोलीफेक्स का पैम्पर मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए। मुझे पैम्पर्स का वो जो डायपर होता है वो अच्छा नहीं लगता, मोलीफेक्स सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद इसकी डैपी रैश क्रीम है, सूडो क्रीम, ध्यान से बेटा। उसके बाद कोई भी वाइप्स ले लेती हूँ, मुझे कंपनी का कुछ नहीं होता, जो सामने नज़र आने लगती है। फर्स्ट ड्रॉ है, इसके अंदर ईमान का टॉवल पड़ा है, ईमान की पेंस पड़ी हैं, ईमान की सॉक्स पड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ड्रॉ है उसके अंदर ईमान के शूज़ वगैरह पड़े हैं, सारे गंदे मंदे छोटे हुए हुए सारे, क्योंकि बच्चों को पहनाए जाते नहीं और छोटे हो जाते हैं बेटे। अच्छा जी, उसके बाद जो नीचे ड्रॉ है इसके अंदर ईमान के कपड़े पड़े हैं, नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है, उसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं सारे। अच्छा जी, सेकंड ड्रॉ है उसके अंदर भी ईमान के कपड़े हैं। ये ड्रॉज वाला इसलिए सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि कमरे में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ना जो बच्चों के कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो इस तरह इसमें कॉट में पूरी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद इसकी ये वाली साइड आ जाती है। ये मैंने ब्लू कलर नहीं करवाना था, ये मैंने लाइटेस्ट सा ऑरेंज सा कलर करवाना था, लेकिन अगर आप लोगों ने कलर करें तो ऑरेंज करवाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हॉलो है अंदर से सारा, देखिए दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जितनी मर्जी चीज़ें रख लो बहुत स्पेस है इसमें। ये वैसे ही वुडन का लगाया हुआ है, उसके बाद इसको खोलेंगे, इसके अंदर भी पैम्पर्स हैं, दूध का डब्बा पड़ा हुआ है, डिग्निटी शीट्स हैं। मैं सबको रिकमेंड करूँगी मेडिकल स्टोर से डिग्निटी शीट्स ले लें, क्योंकि जब बच्चे की मालिश वगैरह करते हैं इससे लीक नहीं होता, जब कुछ भी बच्चा कर दे बेड गंदा नहीं होता, डिग्निटी शीट उठाई और डस्टबिन में फेंक दी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ईमान का दूध पड़ा हुआ है, ईमान के कुछ फीडर हैं, ईमान बेटा दवाई नहीं, ये दवाइयाँ कुछ पड़ी हुई हैं, उसके बाद पानी पड़ा हुआ है, लोशन पड़ा हुआ है। बेटी ईमान ये 1 साल की है,
हर चीज़ मुंह में डालती है और हर चीज़ का कबाड़ा कर देती है। पकड़ा दो, दे दूँ मैं, अच्छा ले लूँ मैं, अच्छा ले लूँ मैं, ले लूँ मैं। हाँ जी, तो फिर अब ये ऑपोजिट साइड है, इस ऑपोजिट साइड से भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह की ये कॉर्ट है, फ्रंट साइड से पहले दिखा दिया था, अब ये बैक साइड है। इसके इधर से भी ये हॉलो है, इधर से नज़र आ रहा है, ये ग्रिल लगी हुई है। उसके बाद ये सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगती है, मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक और कबर्ड है जहाँ मैं दूध वगैरह रखती हूँ, पैम्पर्स वगैरह रखती हूँ। ये है दूध और ये है पैम्पर्स और ये है कुछ सेलिमान के कॉर्ड के डालने के लिए। उसके बाद जो ये चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है, ये डिग्निटी शीट्स है। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेंगे, जब बच्चों की मालिश वगैरह करते हैं तो नीचे ये बिछा लेते हैं, तो बेड और जो भी चीज़ होती है गंदी नहीं होती है, डिस्पोजेबल होती है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और ये हो जाती है इस तरह बंद। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक दफ़ा फ्रंट से भी दिखा देती हूँ ताकि इजीली आप लोग को समझ लग जाए। ईमान, मामू कैसे कहते हैं? ईमान मामू कहाँ है? ईमान मामू, मामू नहीं कहना, बताओ बाय चल। बाहर चले, पारा दे दो। अच्छा चलो पारा दे दो, पारा भी नहीं देना, पारा पहले, पारा पारा दे दो, पहले पारा दो। थैंक यू जान। हाँ जी जी, ये हमारी लाडियाँ तो सारा दिन चलती रहती हैं। अब आप लोगों ने ईमान का कॉर्ड देख लिया, ठीक है, अब ये जिद कर रही है। क्या पीने, दूध पीने, दूध पीने। चलो जी, अब हमारी नीनो आ रही है बहुत सख्त, अब हम सोने जा रहे हैं। ठीक है जी, आप कॉर्ड देखिएगा। हाँ, चुप करो, वीडियो बन रही है। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, अब इसको सोने का टाइम हो गया। अब आप लोग सब वीडियो देखे हो, जिस जिससे कॉर्ड बनवाना है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी ले मत, आप लोग खुद बनवाएं, खुद ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि कैबिन्स वगैरह बनवाएं जहाँ पे कब बच्चों के कपड़े रख सके, बहुत इजी रहता है कमरे में। अच्छा मानो, एक मिनट, चलो जी, ओके जी, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। सब देख रहे हैं, मैं शिकायत लगा दूंगी आपकी सबको कि ये मानो मुझे मारती है। नहीं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ईमान नो, ओ हाँ जी जनाब, फाइनली ईमान सो गई है। ठीक है, और ये ऊपर मैंने लाइट ऑन कर दी है एक, ताकि